will be a large section of people, how large I cannot say, but a section of people in J&K who will not be happy with this judgment, who will be very unhappy. To them, my sincere advice is that they should accept the inevitable, and they should accept the fact that now this has been done and the Supreme Court has upheld the action, and therefore there is no point now unnecessarily hitting their head against the wall. Now my suggestion is that they should turn their energies towards fighting the next elections. That is where the people should now be motivated, instead of any negativity developing. That is my personal, as a, not only a well-wisher of the state, as the state itself, as you know, my name was mentioned in the judgment. Without that proclamation, the rest of the things wouldn't have been done. So, you know, I am very much part of it. So as a state person myself, I'd like to urge that people should now accept this gracefully. My dear boy, I'm in my own house now. I have no idea what's happening. I cannot comment on that. मेरी पहली प्रतिक्रिया तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बारीकी से हर एक विषय को देखा है. जो मैंने सुना चीफ जस्टिस जो पढ़ रहे थे उसमें एक एक क्लॉज, एक एक सब क्लॉज को उन्होंने देखा है और सब परिस्थितियां देखते हुए उन्होंने एक नतीजे पर पहुंचे हैं. मैं उसका स्वागत करता हूं, क्योंकि बहुत दिनों से ये बात हवा में थी, तो अब कम से कम स्पष्ट हो गया है कि जो हुआ वो वैध था. राजनीतिक रूप से चाहे कोई समझे कि नहीं होना चाहिए था, वो बात और है, लेकिन लीगल दृष्टिकोण से, न्यायिक दृष्टिकोण से वो वैध है, एक तो बात ही हो गई. दूसरी दो बातें बड़ी अच्छी सुप्रीम कोर्ट ने कही. मैं तो चंद्रचूड़ जी को और सुप्रीम कोर्ट को बधाई देता हूं. एक तो उन्होंने कहा कि जल्द अज जल्द हमारी स्टेटहुड फिर से मिलनी चाहिए. मैं आरंभ से कह रहा था कि जो जम्मू कश्मीर को काट के दो हिस्से में करके और इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया, वो हमें स्वीकार नहीं था, किसी को भी, किसी के गले से नहीं उतर रही थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक बहुत विशेष राज्य था. पहले कहते थे ये मुकुट है, ये भारतवर्ष का ही है, और मुकुट क्या रहा, फिर हरियाणा और हिमाचल से भी नीचे आ गए, यूनियन टेरिटरी बन गए. तो वो जल्द अज जल्द, मैं समझता हूं, मेरी मोदी जी से भी यही प्रार्थना होगी कि अब वो जल्द अज जल्द राज्य का दर्जा दे दें. ये जरूरी नहीं कि पहले चुनाव हो फिर उसके बाद राज्य का दर्जा दिया जाए, बल्कि अगर चुनाव हो तो राज्य के लिए हो, यूनियन टेरिटरी के लिए क्यों हो. तो दूसरी बात ये बनती है कि भाई इन्होंने ये कहा, और फिर उन्होंने ये कहा कि चुनाव हो जाने चाहिए सितंबर 2004. वो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बड़ी देर से चुनाव नहीं हुए हैं और कुछ से लगता था कि ये लोग कुछ इसको आगे चलाने की कोशिश की जा रही थी. तो ठीक है, अगले साल तक उन्होंने कार्य दे दिया, समय दे दिया है. तो ये मैं कहूंगा इसके बारे में मेरी प्रतिक्रिया. एक बात मैं इसमें और कह दूं, मुझे पता है कि जम्मू कश्मीर के कुछ लोगों को ये निर्णय अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मेरी उनसे राय है, उनके हमदर्द होने के नाते, क्योंकि मैं भी तो जम्मू कश्मीर का ही हूं, हमारा सारा अगर राज्य उभरा तो जम्मू कश्मीर की वजह से उभरा. तो उनसे मेरी प्रार्थना है कि अब वो इसको स्वीकार कर लें, अब कोई विरोध करने का लाभ नहीं है, अब वो राजनीति के लिए तैयार हो जाए, जब चुनाव हो तो चुनाव डट के लड़े, तो अपनी शक्ति जो है वो चुनाव में लगाएं, बजाय इसके कि इसके विरोधात्मक कार्यक्रम करें. ये मेरी उनसे व्यक्तिगत प्रार्थना है, और मैं जानता हूं कि कई लोग बहुत दुखी होंगे, कई लोग बहुत प्रसन्न होंगे, कई लोग बहुत दुखी होंगे, लेकिन अब विश्व में कई बातें होती है जीवन में जो अच्छी भी लगती हैं लोगों को, बुरी भी लगती हैं, तो इसको अब स्वीकार कर लेना चाहिए सबको अच्छे हृदय से, ताकि जो बदमजगी है, जो एक कड़वाहट हो गई है, वो दूर हो जाए और जम्मू कश्मीर के लोग फिर से हम आंगी से और खुश खुशअसलूबी से, प्रसन्नता से आपस में मिलकर रहे.